तुम्हें ज्ञान था कि द्वारका में यह सब हो रहा है? हाँ दाऊ, कुछ समय से ऐसा हो रहा है। मैंने रोकने का प्रयत्न किया किंतु द्वारका वासी बार बार अधर्म की ओर बह जाते हैं। नदी जब झरना बनती है तो उसकी गति और बढ़ जाती है। समाज भी जब अधर्म की ओर चलता है तो शीघ्र ही अधर्म में डूब जाता है। इस सब के लिए युधिष्ठिर दोषी है। उसने उस द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दाव पर लगाया और अब समग्र आर्यावर्त में लोग उसी घृणित आचरण का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, नहीं। दोष ना भ्राता युधिष्ठिर का है और ना ही भ्राता दुर्योधन का। दोष तो है उस धर्म का जो छल से बंध जाता है, छल के सामने अपने घुटने टेक देता है। वास्तव में वो परंपराओं का अंध अनुकरण है, धर्म तो है ही नहीं। अपना तात्पर्य स्पष्ट करो काल। मनुष्य जब अपने प्रण और प्रतिज्ञा पर अड़िग रहे तो वो उत्तम है ज्येष्ठ, किंतु क्या प्रत्येक परिस्थिति में अड़िग रहना उचित है? उस द्यूत सभा में भी यही हुआ। महामहिम भीष, गुरु द्रोण, महाज्ञानी विदुर और ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर सब अपने अपने प्रण से बंधे रहे, परंपराओं का अंध अनुकरण करते रहे, अपने प्राण अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही उन्होंने धर्म माना। यदि किसी एक ने भी अपना प्राण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती, द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं होता। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कान्हा? क्या प्रतिज्ञा पालन उचित नहीं? धर्म एक वृक्ष है ज्येष्ठ, प्रण और प्रतिज्ञा उसकी शाखाएं, और वृक्ष की जड़ है करुणा। शाखाओं का महत्व अवश्य है किंतु जड़ जितना नहीं। यदि किसी की पीड़ा को रोकने के लिए प्रण तोड़ना भी पड़े तो वो उचित है, किंतु इस समय खंड में करुणा का नाश हो गया है समस्त आर्यवर्त में, समस्त जगत में। अपनी पीड़ा का मूल्य अपनों की पीड़ा से अधिक है और अपनों की पीड़ा का मूल्य समाज की पीड़ा से अधिक है। करुणा सूख गई है इस समाज में से। जब करुणा नहीं होती समाज में तो लोग एक दूसरे से बंधते नहीं हैं ज्येष्ठ, केवल अपने सुख के लिए जीते हैं। जो स्थिति आज द्वारका की है वही स्थिति समग्र आर्यवर्त की है। जड़ से छूटे वृक्ष की शाखाएं सूख कर लकड़ा बन जाती हैं, ठीक वैसे ही आज के समय में धर्म निर्जीव बन गया है। धर्म में प्राण फूंकने का समय आ गया है बड़े भैया। समाज को एक बार फिर धर्म का ज्ञान देना होगा। द्वारिका में व्याप्त इस अधर्म को तो हमारा प्रशासन संभाल लेगा कान्हा, परंतु मेरे समक्ष एक और बड़ी चिंता है। वो है समग्र आर्यावर्त में व्याप्त इस अधर्म के कारण कौरवों और पांडवों के बीच संभावित युद्ध। युद्ध तो अवश्य होगा दाऊ। समाज में जब करुणा का नाश हो जाए तो समाज स्वयं अपने लिए युद्ध निर्मित कर लेता है। कौरव तथा पांडव तो केवल निमित्त,
नदी का तट होता है किंतु बाढ़ का कोई तट नहीं होता। इस युद्ध में हम भी तटस्थ नहीं रह सकते दाऊ, हमें किसी के पक्ष से युद्ध तो करना ही होगा। तुम सत्य कह रहे हो कान, परंतु उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि जिस पक्ष में तुम चले जाओ वह पक्ष स्वयमेव धर्म का पक्ष हो जाएगा। अब सिद्ध करो कि मैं असत्य कह रहा हूं।